हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरत असीवा व्लॉग्स। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की व्लॉग वीडियो। तो गाइस आप देख रहे होंगे पीछे टोटल इंडस्ट्रियल एरिया है। तो गाइस आज मैं आया हूँ सोनीपत के, यानी कि हरियाणा का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया। तो गाइस चलते हैं कंपनी में, एक फ्रेंड के थ्रू मैं अपना इंटरव्यू देने आया हूँ। तो बने रहिएगा पूरी व्लॉग वीडियो में और देखते रहिए। आप देख सकते हैं चारों तरफ कंपनी है। तो गाइस ये हरियाणा का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, हालांकि गुड़गांव भी है, मानेसर है, लेकिन गाइस ये भी उनको टक्कर दे सकता है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया ये भी माना जाता है। तो गाइस चलते हैं आगे। तो गाइस ये इंडस्ट्रियल एरिया सोनीपत के हरियाणा के सोनीपत में ही है, ये जो अपना डिस्ट्रिक्ट है, अपना जो शहर है, छोटा सा शहर है, उसी के अंदर ये इंडस्ट्रियल एरिया आता है सोनीपत के अंदर ही। तो गाइस इंडस्ट्रियल एरिया ये बहुत बड़ा है, कई हज़ार कंपनियां यहाँ पे हैं। तो चलते हैं गाइस, देखते हैं कैसा जाता आज का दिन। यहाँ पे कंपनी तो गाइस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जान पहचान होनी यहाँ पे मेन चीज़ है, या तो किसी जान पहचान वाले के थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ गाइज मैं आपको एक बात बताना भी चाहूँगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ की यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है सैलरी वैलरी शुरू में कितनी क्या देते हैं, तो गाइज यहाँ पे जो सैलरी इशू होता है वो ज़्यादा इतना माइनर स्केल नहीं होता है, ठीक ही ठाक यहाँ पे सैलरी दे देते हैं। अगर कोई हेल्पर बेस पर आता है या कैसे भी ऑपरेटिंग बेस पर आता है, तो गाइज हर एक क्वालिफिकेशन बेस पर सैलरी डिसीजन भी इनका अलग अलग तरीके से होता है। तो गाइस जैसे कि मिनिमम सैलरी यहाँ पे 8 से 10 हज़ार दे देते हैं, 10 से 12 हज़ार दे देते हैं। ये कंपनी का, हर एक कंपनी का अपना अलग अलग अपना हिसाब किताब है। तो गाइस ये निप्टम यूनिवर्सिटी है। गाइस धूप भी बड़ी तगड़ी है, बड़ी तेज़ धूप हो रखी है। चलते हैं, कोई नहीं यार, धूप से क्या है, काम बनना चाहिए, शरीर ऐसा बनाओ जो हर एक परिस्थिति में।
गाइस कंपनी तो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में है, कंपनी के यहाँ पे कोई काउंटिंग ही नहीं है, एक से एक बढ़ के कंपनी है। बट दिक्कत यही है, जान पहचान हो तभी जॉब यहाँ पे लग पाती है, या प्लेसमेंट वाले तो ऐसे ही घुमाते रहते हैं। आप पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज है। तो गाइस ये कंपनी पीछे मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे बहुत सारी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे काम बन रहा है, कोई कंपनी बन रही है, कोई चल रही है, कोई टूट रही है। तो गाइस इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, अगर आपको यहाँ पे जॉब वगैरह करनी है तो आ सकते हैं। कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया है, सोनीपत के अंदर आता है कुंडली में। तो गाइस बिल्कुल लास्ट में आ गया हूँ, पैदल पैदल मेन रोड से कम ये 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है ये पूरा एरिया कवर करने में। तो गाइस इसलिए मैंने बीच में वीडियो में कट करके आपको कहीं ना कहीं बीच में कट कर दिया, तो मैंने यार आज तो धूप भी बड़ी तेज़ निकली हुई है, मर गए यार, आज तो धूप ने भी ऐसी तैसी कर दिया है। यार अभी फिलहाल कंपनी तो मिली नहीं है, देखते हैं जाते हैं। धूप देखो यार, गाइस फाइनली कंपनी के अंदर आ गए हूँ यार। आप देख सकते हैं धूप बाहर बहुत तेज है, पसीने यार बड़ी बुरी आदत हो गई है। तो फाइनली यार कंपनी भी मिल गई है, इतनी धूप में आया घूम के 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर है टोटल जो इंडस्ट्रियल एरिया है ये क्रॉस करके आया हूँ। गाइस कोई ऑटो वगैरह मैंने लिया नहीं, क्योंकि गाइस ऑटो लेने का तभी फ़ायदा था अगर मेरे को कंपनी पता था, बिल्कुल लाइव लोकेशन अगर मेरे को पता होती तो गाइस तब ऑटो का फ़ायदा था, नहीं तो गाइस ऑटो वाले क्या हैं पहले बेरोज़गार हैं यार, ये घुमा घुमा के यार इतने पैसे ले लेते कोई हद नहीं। तो गाइस इसलिए अगर कंपनी का पता नहीं होता है तो फर्स्टली तो यार 1-2 घंटा पहले आ जाओ, पहले इंडस्ट्रियल एरिया देखो, खुद ढूंढो, तब आने का फ़ायदा है। तो गाइस आप देख सकते हैं पसीने में यार कैसे भीगा हूँ, पसीने में कितना भीगा हूँ, बिल्कुल हालत ख़राब हो रही है। अभी यार गेट पे बैठा हूँ, ये कंपनी है। तो गाइस देखते हैं यार आज का डे कैसा जाता है यार। बस गाइस दिल से तमन्ना यार बस यहाँ पे यार जॉब तो करनी है, बस आप भी यार कोशिश करो मेरी जॉब लग जाए यहाँ पे।